आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्काबा और स्कूबा में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्काबा क्या होता है। स्काबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस। खास तौर से इसका जो इस्तेमाल है वो फायर फाइटर्स या फिर हैजमेट यूनिट की तरफ से किया जाता है। जब भी आप कोई ऑयल एंड गैस या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो वहाँ पर कन्फाइन स्पेस का काम होता है, तो वहाँ पर भी स्काबा का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी में किसी भी पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए। और उसके लिए बाकायदा रेस्क्यू टीम होती है जो वेल क्वालिफाइड होती है और ट्रेन होती है, और उनको पता होता है कि स्काबा का इस्तेमाल कैसे करना है जब भी इमरजेंसी में या फिर कन्फाइन स्पेस में किसी पर्सन को रेस्क्यू करना हो। तो चलिए अब बात करते हैं स्कूबा के बारे में। तो स्कूबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस। और देखा जाए तो स्कूबा और स्काबा जो है वो सिमिलर ही होता है, लेकिन स्कूबा का जो यूज है वो अंडर वाटर किया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट्स कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्कूबा गियर को डिजाइन किया गया है कि उसको हाई प्रेशर में ऑपरेट कर सके, जबकि स्काबा को इस प्रकार डिजाइन नहीं किया गया है। अगर आप एक फायर फाइटर की बात करें तो उनके मुताबिक स्काबा का जो टैंक्स है वो बहुत ही लाइटर है एज कम्पेयर टू स्कूबा टैंक्स। और स्काबा टैंक्स में क्या होता है कि उसमें अमाउंट ऑफ जो गियर है वो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स जो है वो उसको इजीली कैरी कर सकता है। जबकि अगर हम बात करें स्कूबा टैंक्स की तो उसका जो टैंक का वेट होता है वो लिटिल बिट एक्स्ट्रा वेट होता है एज कम्पेयर टू स्काबा टैंक, क्योंकि स्कूबा का जो इस्तेमाल है वो अंडर वाटर किया जाता है। और वहाँ पर जब आप डाइविंग करते हो तो उसका अगर मान लो लिटिल बिट एक्स्ट्रा वेट भी है तो जब भी आप अंडर वाटर जाते हो डाइविंग के थ्रू तो वो आपको नीचे जाने में हेल्प करता है। स्काबा जो ब्रीथिंग अपरेटस है वो इंस्पेक्टेड होना चाहिए पेरियोडिकली, यानी कि नॉर्मल तौर से उसे वंस इन अ मंथ उसको इंस्पेक्ट करना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपने वन टाइम उसका यूज किया तो दोबारा उसको आपको चेक करना है। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है स्कूबा में भी, वहाँ पर भी आपको उसका पेरियोडिकली इंस्पेक्शन करना है और साथ में वंस इन अ मंथ उसका इंस्पेक्शन आपको करना है। और जब भी आप उसका वन टाइम यूज करते हो तो वन टाइम यूज करने के बाद उसको आपको बाकायदा चेक करना है। चलिए अब जानते हैं कि इसके कंजम्पशन कैलकुलेशन के बारे में कि हम कितना अगर उसका वॉल्यूम हो तो हम उसको कितने टाइम पीरियड तक उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्काबा होता है या फिर स्कूबा होता है उसकी जो टैंक होती है उसमें एयर भरा हुआ होता है, और उसको अगर हमें मेजर करना हो तो वो हमें वॉल्यूम में मेजर करना पड़ता है कि कितने वॉल्यूम में ये टैंक के अंदर एयर है। अब मान लीजिए कि आपने स्काबा पहन लिया तो जब आप 1 मिनट तक अपनी सांसें लेते हो तो उसके लिए आपको कितने एयर की जरूरत होती है, तो वो होती है 1.5 क्यूबिक फीट। यानी कि 1.5 क्यूबिक फीट अगर उसमें एयर है उस वॉल्यूम में तो आप इजीली उस एयर को 1 मिनट तक ले सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि 1 मिनट के लिए 1.5 क्यूबिक फीट एयर रिक्वायर होती है, तो वैसे ही देखते हैं कि 30 मिनट के लिए कितनी रिक्वायर है। तो 30 मिनट के लिए वो कितनी रिक्वायर हो जाएगी, 1.5 × 30 = 45 क्यूबिक फीट। यानी कि 45 क्यूबिक फीट अगर उसमें एयर है तो उसका इस्तेमाल हम 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रीथिंग अपरेटस है इसको प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है, और उस प्रेशर गेज में आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना प्रेशर उसमें दिखा रहा है यानी कि जितना प्रेशर उसमें लेफ्ट है उसका मतलब ये होता है कि उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, जिसके जरिए हम इजीली पता कर सकते हैं कि कितना टाइम तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्रेशर गेज में अगर मान लो 100 बार उसका प्रेशर दिखा रहा है तो वो 15 मिनट तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसका प्रेशर 200 दिखा रहा है तो उसका इस्तेमाल आप 30 मिनट तक कर सकते हो, और उसमें अगर प्रेशर 300 दिखा रहा है तो उसका इस्तेमाल आप 45 मिनट तक कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि स्काबा और स्कूबा में क्या डिफरेंस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।